हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं वनीला आइसक्रीम, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम देखें इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी अमूल क्रीम ली है। क्रीम को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ है। ये देखिए, ये ठंडी है, ये काफ़ी थिक है। हाफ कटोरी मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और वनीला एसेंस। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम अमूल क्रीम को निकाल लेंगे। तो सारी क्रीम को मैंने बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से या मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो क्रीम को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से व्हिप कर लिया है और अब इसे हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, आधा चम्मच। वनीला एसेंस हम कम डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसे हम दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे। जैसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से व्हिप कर लिया है, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है और कितना स्मूथ। और अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे जमाने के लिए। एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम निकाल लेंगे। तो इसे मैंने कंटेनर में निकाल लिया है और अब इसे हम कवर कर लेते हैं और इसे हम रखेंगे 8 से 10 घंटे फ्रीजर में या फिर ओवरनाइट, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है और अब इसे हम सर्व करेंगे। तो लेते हैं सर्विंग बाउल और इसमें हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम बनके तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।